Hi, welcome to 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 my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss how to prepare organic chemistry for NEET. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप ना ही सिर्फ चीजों को याद रख सकते हैं ना ही सिर्फ प्रैक्टिस करके ये, इसे आप ठीक कर सकते हैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के लिए चीजों को समझना है फिर उन्हें याद करना है एंड फिर ये सीखने के लिए कि इन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करे कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर को हम कैसे ठीक से समझें एंड सबसेक्वेंट वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाइड्रोकार्बन्स एंड क्लास ट्वेल्थ के बाकी सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को कैसे प्रिपेयर करें तो टूडे वीडियो इज सोली डेडिकेटेड टू जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इसके लिए आपको लेक्चर्स अटेंटिवली देखने हैं वंस यू अटेंड योर लेक्चर्स मेक प्रॉपर नोट्स वाइल अटेंडिंग द लेक्चर्स इन नोट्स को लेक्चर के बाद पढ़िए चीजों को ठीक से सम समझिए याद करिए एंड फिर इन, इस चैप्टर को आप एन में से पढ़िए वंस दैट इज डन आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए अब जब आप ये सब कर चुके होंगे तो आपको काफी सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएगी आपको ऑलमोस्ट हर चीज समझ चुकी होगी इस स्टेज पर अब आपको एक चार्ट का यूज करना है तो इस चार्ट को मैं अभी अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगी इस चार्ट का यूज करके आप ऑर्गेनिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इफेक्टिवली स्टडी कर सकते हो तो देखते हैं इस चार्ट को इसमें मैंने फाइव ब्रॉड कैटेगरीज बनाई हैं लेचर आइजोमेरिज्म इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स एंड क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिस तो लेट्स स्टार्ट विथ नॉमिनचर नॉमिनक्लेचर में यू नीट टू नो अबाउट नॉमिनक्लेचर ऑफ हेल्टेन्स देन अबाउट कॉम्पलेक्स सब्सटीट्यूंट तो कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूंट क्या होते हैं जैसे कि आइजो प्रोपाइल इसका आईपैक नोमिनक्लेचर क्या होगा वन मिथाइल इथाइल तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स uh, सब्सिट्यूएंट्स का नॉमिन आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट एल्किन्स एंड एलकाइंस का नॉमेन क्लेचर नीड टू नो उसके बाद आपको ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेन समझ में आना चाहिए जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इसके लिए आपको तीन चीजें हर फंक्शनल ग्रुप के लिए याद रखनी है सफिक्स प्रेफिक्स एंड इंडिपेंडेंट सफिक्स बाकी नॉम का तरीका हर कंपाउंड के लिए हर फंक्शनल uh, ग्रुप के लिए सिमिलर है बस डिफरेंस uh, आता है सफिक्स प्रिफिक्स इसमें तो आपको इसे याद रखना है नेक्स्ट आपको फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ऑर्डर को याद रखना है तो अगर एक कंपाउंड में कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स है तो किस फंक्शनल ग्रुप को हम पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे ये डिटरमाइन करने के लिए इस प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज होता है नेक्स्ट आपको रिंग्ड कंपाउंड्स का नोमिनचर पता होना चाहिए और उसके बाद आते हैं स्पाइरल एंड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स नाउ ये लास्ट कैटेगरी स्पाइरल एंड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स ये इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है बट फिर भी आप एक बार इसे पढ़ जरूर लीजिएगा नेक्स्ट हम आते हैं आइजोमेरिज्म पर फर्स्ट टाइप ऑफ आइजोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइजोमेरिज्म जिसके अंदर सिक्स कैटेगरीज है चेन पोजिशनल, मेटामर्स टॉटोमर्स फंक्शनल आइजोमर्स एंड रिंग चेन इन चे चीजों को आपको ठीक से समझ लेना है उसके बाद हम आते हैं जोमेट्रिकल आइजोमर्स की ओर तो इसमें आपको दो कैटेगरीज पता होनी चाहिए सिस्ट्रॉन्स एंड ईजेड आइजोमर्स नाउ थर्ड कैटेगरी इज ऑप्टिकल आइजोमर्स तो इसे पता समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता होने चाहिए एक कायरल कार्बन क्या होता है What are enantiomers? What are diastereomers? व्हाट आर डायस्टि वेस्मिक मिक्सर ऑल्सो आपको पता होना चाहिए डेक्सट्रो एंड लीवो फॉर्म्स एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के क्या होते हैं एंड देन मीजो कंपाउंड क्या होते हैं उसके बाद आते हैं हम कॉन्फर्मेशनलाइजोमर्स की ओर तो तीन टिपिकल एग्जाम्पल्स है इथेन ब्यूटेन एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल इन सब के कन्फॉर्मर्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है आपको बस इतना पता करना है तीनों के कौन कौन से कन्फर्मर्स होंगे एंटी जिसे हम स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं और गॉश फॉर्म एंड द लास्ट वन इज इक्लिप्स्ड फॉर्म तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म नेक्स्ट आपको आना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की तरफ तो दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं परमानेंट एंड टेम्पररी पर्मांट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में वी हैव इंडक्टिव इफेक्ट देन वी हैव रेजिनेस ओ मेजोमेरिक इफेक्ट एंड दर्ड वन इज हाइपरकॉन्जुगेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड द बेकन एथन इफेक्ट और द नो बॉन्ड रेजिनेस एंड फिर टेम्पररी इफेक्ट्स में वी हैव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स तो आपको इन सारे इफेक्ट को समझना है कि ये एक्चुअली क्या है एंड देन आपको Uh, उन ग्रुप्स uh, की जो इन इफेक्ट्स को शो करते हैं वो किस एक्सटेंट में शो करते हैं उसकी ऑर्डर्स होती है उन ऑर्डर्स को याद रखना है दैट्स इट उसका एक चार्ट है जो मैं शेयर करूंगी आपके साथ तो नेक्स्ट हम आते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की ओर तीन रिएक्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं काबोकेटायन यानी कि जिसमें uh, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है कार्ब एनाइन जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है एंड रेडिकल्स जिसमें कार्बन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो आपको क्या करना है इन सब की प्रॉपर्टी समझनी है याद रखनी है एंड इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट लास्ट पार्ट है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये सब आपको एनसीआरटी में से करना है तो इसके लिए सबसे पहले थ्योरी रीड करिए और समझिए फिर सोल्ड एग्जाम्पल्स जो दिए उन्हें ठीक से समझिए सॉल्व करिए फिर बैक एक्सरसाइज जो है एनसीआरटी की उसमें से इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए देन यू नीड टू नोट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज फ्रॉम दिस टॉपिक इसमें कई सारे फॉर्मूलाज है यू माइट टेंट टू फोगेट देम तो आप एक जगह पे फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए एंड एट द एंड आपको कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एक अच्छे रेफरेंस बुक से तो दैट इज अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिसिस तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा अब मैं आपको बताती हूँ इसका यूज एग्जैक्टली कैसे करना है मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब आपने लेक्चर देख लिए हैं नोट्स में से प्रिपेयर किया है एनसीआरटी पढ़ ली है क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं इसके बाद आपको इस चार्ट का यूज करना है तो आपको स्टार्ट करना है चार्ट को देखना फर्स्ट कैटेगरी हमने जैसे बताई थी एल्केन्स तो आपको आना है पर आपको माइंड में रिकॉल करना है कि का कैसे होता है क्या मैं उसे याद कर पा रही हूं या नहीं अगर हाँ तो फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाइए अब से मैं आगे आगे बढ़ रही हूं तभी मुझे आ, मेरा नेक्स्ट कैटेगरी आती है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स ये मुझे याद नहीं आ रही है तो मैं इसे अंडरलाइन कर लूंगी पेंसिल से फिर मैं चार्ट में आगे आगे बढ़ते जाऊंगी एंड में जितने भी चीजों को मैंने पेंसिल से अंडरलाइन कर लिया है वो ऐसे टॉपिक्स है जो मुझे याद नहीं थे तो सिर्फ उन टॉपिक्स को मैं अपने बुक में से रिवाइज करूंगी इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा एंड आप चीजों को क्योंकि एक्टिवली इसको देखकर वो चीजें आपके माइंड में बेटर फिट हो जाएगी तो बस एक चार्ट में अब मैंने आपको कंसोलिडेट करके दिया है कि पूरा जो जीओसी है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और इस चार्ट का इफेक्टिव यूज आप अपने रिविजन के लिए कर सकते हैं तो इस तरीके से अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो प्रिपेयर करेंगे तो आई अश्योर यू कि आपके इसमें आपको समझने में याद रखने में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी Though, so if you find this video useful, please make sure that you like it and share it with as many students as possible. And please subscribe to my channel. That's it for today's video. Thanks for watching. Bye bye.